हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार नैरो पेन और आपके कैरमल कलर के बारे में बताया हुआ है, लेकिन दोस्तों मैंने कई वीडियोस में आपसे पूछा भी हुआ था कि अगर हम ब्राउन ब्रेड बनाना चाहें तो उसमें ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जिससे कि उसमें ब्राउन कलर आ जाता है। तो उसी के बारे में दोस्तों बताने वाला हूँ कि उसमें दो तरह के प्रोडक्ट डाले जाते हैं जिससे कि उसका कैरमल कलर स्टार्ट हो जाता है। पहला होता है नैरो पेन, दूसरा होता है कैरमल कलर। तो मैंने इसके कई बार क्वेश्चन पूछे हुए थे आपसे कि मुझे बताओ कि ब्राउन कलर कैसे आता है ब्राउन ब्रेड में। तो कई लोगों ने बोला होल व्हीट डालने से आता है, या किसी ने बोला जो व्हीट के जो ग्रेन होते हैं उसी को डालने से आता है। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा इसमें जो कलर आता है दोस्तों वो नैरो पेन और कैरमल कलर से आता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ की कैरमल कलर क्या होता है। देखिए, जो कैरमल कलर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में उस चीज़ को यूज़ करते हैं, और वो कैसे बनता है, उसको शुगर को लास्ट स्टेज तक हीट किया जाता है, यानी कि जब तक शुगर इस तरह से गर्म ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए, वो काली ना पड़ जाए, लास्ट स्टेज तक उस चीज़ को पकाया जाता है। उस चीज़ से हमारा जो बनता है कैरमल कलर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता चल गई, जो कैरमल कलर होता है वो शुगर से बनता है, शुगर के जलाने से बनता है, यानी कि जब तक शुगर को कैरमलाइजेशन करते हैं लास्ट स्टेज तक, तब तक उसका कैरमल कलर आता है। तो उस चीज़ को हम कैरमल कलर में अपने यूज़ करते हैं ब्रेड्स के लिए, किसी भी अपने ब्राउन ब्रेड्स के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इसकी रेसिपीज़ क्या होती है, आपको 3 टेबल स्पून शुगर लेनी है। शुगर यानी कि अगर 1 टेबल स्पून में 15 ग्राम होती है तो 3 टेबल स्पून हो गई, यानी कि 45 ग्राम हो गई। 1 टेबल स्पून वाटर लेना है, वाटर भी दोस्तों 15 ग्राम का होता है। तो यानी कि अगर आप 45 ग्राम पहले आपको क्या करना है, एक बॉयल लेना है, बॉयल में आपको चीनी डालनी है, उसमें वाटर डालना है, उस चीज़ को पकाने के लिए रखना है। रखने से दोस्तों ये होगा कि वो धीरे धीरे जो अपनी शुगर होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, आपको कैरमलाइजेशन होता रहेगा। उस चीज़ को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं और धीरे मतलब कम गैस पे उस चीज़ को पकाते हैं। तो दोस्तों जो भी उसका कलर आना स्टार्ट हो जाता है शुगर का, जिस चीज़ को हम बोलते हैं कैरमलाइजेशन, ठीक है, वो चीज़ हमारी शुगर से आती है दोस्तों। उसी चीज़ को हम लास्ट स्टेज तक पकाते हैं शुगर को, जब तक कि वो पूरी तरीके से कैरमल ना हो जाए। उसी बीच आप एक चुटकी उसमें क्रीम ऑफ टार्टर डालना दोस्तों। क्रीम ऑफ टार्टर डालने से ये होगा कि जो भी उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है शुगर का, वो रुकना बंद हो जाता है। यानी कि आपको पता होगा कि जब हम शुगर में कुछ भी चीज़ का प्रोडक्ट डालते हैं तो उसमें तो मतलब शुगर जो है जल्दी स्टार्ट हो जाती है, वो टाइट हो जाएगी, पत्थर की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्रीम ऑफ टार्टर का काम करता है। तो इस चीज़ के लिए आपको एक चुटकी क्रीम ऑफ टार्टर डालना है, जैसे ही वो कैरमलाइजेशन के प्रोसेस पे स्टार्ट हो जाए। फिर दोस्तों लास्ट में आपको साइड में करीबन 60 ग्राम आपको वाटर बॉईल करना है। तो जैसे ही कैरमलाइजेशन हो जाएगा तो लास्ट में उस चीज़ को वाटर को डालेंगे दोस्तों। 60 ग्राम वाटर डालने के बाद आप थोड़ा सा पीछे हट जाना। पीछे हटने से दोस्तों ये होता है कि देखिए, पानी डालने से ये हो जाएगा कि जो अपने शुगर जो पकड़ी होती है वो बॉइलिंग स्टेज पे होती है। अब जैसे ही उसमें आप पानी डालोगे तो वो एकदम से धुआं निकलेगा, धुआं आपके फेस पे लग सकता है, आपके हाथों में लग सकता है, छींटे भी पड़ सकते हैं। तो आपको पता ही है जब चीनी का जलता है तो खाल निकाल के ही मांगता है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने हाथों में पहले ग्लव्स पहनिए उसको डालते वक्त, और फेस अपना दूर रखिए जिससे कि आपके फेस में कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो उस चीज़ में आप शुगर डालने के बाद पीछे हटने के बाद जैसे ही आप देखेंगे शुगर का जो होता है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में दोस्तों उससे ये होगा कि जो आपका कैरमल कलर है वो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जो कैरमल कलर होता है वो इसी तरीके से बनता है जो कि हम अपना कैरमल कलर बनाते हैं या फिर अपनी जो ब्रेडों में लगती है, ठीक है। और दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया था कि नैरो पेन। नैरो पेन क्या होता है, जो नैरो पेन होता है वो रोस्टेड माल्ट से बना हुआ होता है। रोस्टेड माल्ट मतलब आप व्हीट का व्हीट यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं दोस्तों जो अपने होल्स में होते हैं, जैसे कि चौ के दाने, व्हीट के फ्लावर, मक्के का, चावल के, और ऐसे कई तरह के जो अपने प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो उस चीज़ से माल्ट बनाया जाता है, यानी कि नैरो पेन बनाया जाता है दोस्तों। तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, पहले जैसे आप किसी प्रोडक्ट को ले लें, जैसे आप जौ के दानों को ले लें, जौ को पहले अंकुरित किया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसे रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद दोस्तों उससे जो पाउडर बनता है वो नैरो पेन होता है। उसको रोस्ट दोस्तों इतना किया जाता है कि वो हल्का हल्का धीमी आँच में काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप उस चीज़ को पीसोगे तो वो नैरो पेन में बदल जाता है। ये सबसे ज़्यादा जौ को यूज़ करते हैं। वैसे तो इसमें कई चीज़ें जो यूज़ करी जा सकती है, जैसे कि आप चावल के दाने यूज़ कर सकते हैं, मक्के के दाने, गेहूं के दाने, तो ये और जौ के दाने, तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है इस चीज़ से हम नैरो पेन बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो जौ के दाने होते हैं दोस्तों। तो उस चीज़ को हम माल्ट बनाया जाता है, उस चीज़ को रोस्ट करके हम नैरो पेन बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी नॉलेज कि नैरो पेन क्या होता है और कैरमल कलर क्या होता है, और इस चीज़ को हम अपनी ब्रेडों में कैसे यूज़ करते हैं। ब्रेड हो जाए, कुकीज़ हो जाए, किसी भी तरह का प्रोडक्ट होता है, तो उस चीज़ को ब्राउन कलर की फॉर्म में लाने के लिए कैरमल कलर और नैरो पेन का यूज़ किया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने आपको छोटी सी नॉलेज दी आपको समझ में आ गया होगा कि नैरो पेन और कैरमल में क्या फ़र्क होता है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। जय हिंद।